हेलो फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ चुकी है और ठंड के मौसम को केवल गर्म और स्वादिष्ट फूड का सेवन करके ही मात दी जा सकती है। नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक समाप्त होने वाले ये 4 महीने वास्तव में पूरे साल के सबसे ठंडे महीने होते हैं। जब आप ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं तो इस ठंड के मौसम में खुद को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। जैसे जैसे तापमान कम होता है, आपका मेटाबॉलिज्म ऊर्जा के संरक्षण के लिए धीमा हो जाता है और आपके शरीर की गर्मी बरकरार रहती है। कुछ खाद्य पदार्थ आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और आपके पूरे दिन एक्टिव रखने में मदद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आपके शरीर को गर्म रखने के लिए कौन सी चीजें को करें सेवन। प्याज। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में प्याज का इस्तेमाल छी या ऊर्जावान टॉनिक के रूप में किया गया है, क्योंकि यह ठंड के मौसम को मात देने के लिए आपके शरीर को गर्म रखता है। आप इसे अपने दैनिक भोजन में या सूप या सलाद आदि में शामिल कर सकते हैं। चौलाई। चौलाई और बाजरा जैसे फूड ठंडे सर्दियों के दिनों में ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। वे स्टार्च में उच्च होते हैं जो पचने में अधिक समय लेते हैं और इसलिए आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखते हैं। देसी घी। आयुर्वेद के अनुसार देसी घी खाना पकाने के साथ साथ करी में स्वाद बढ़ाने के लिए सबसे आसानी से पचने वाली वसा में से एक है। घी आपके शरीर के पित्त को ठीक करने का एक प्राकृतिक तरीका भी है। इसके कई फायदे हैं, जैसे ये पाचन में सहायता करता है, कब्ज को रोकता है और विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन में मदद करता है। यह आपको गर्म रखता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। देसी घी में प्याज भूनकर खाने से गले की खराश दूर होती है। अदरक। अदरक आपके थर्मोजेनिक और हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने और रक्त प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। आप गर्म पानी में कच्ची अदरक की जड़ का सेवन कर सकते हैं। आप इसके लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी नियमित चाय या काढ़े में भी कुछ अदरक डालकर पी सकते हैं। शलजम। शलजम, मूली, शकरकंद जैसी जड़ वाली सब्जियां सर्दियों के मौसम का आनंद है। ये सब्जियां बहुत जरूरी ऊर्जा भी प्रदान करती है और शरीर को गर्माहट भी बरकरार रखती है। चूंकि ये सब्जियां पचने में अधिक समय लेती है, इसलिए ये अधिक गर्मी पैदा करती है। आप रात के खाने के लिए एक गर्मा गर्म स्टू बना सकते हैं और इसे हरी पत्तेदार सब्जियों से सजा सकते हैं। सरसों। सरसों के बीज अपने वार्मिंग गुणों के लिए जाने जाते हैं। सरसों का तेल भी पैरों की मालिश के लिए फायदेमंद होता है, जिससे आपके पैर कड़ाके की ठंड में गर्म और आरामदायक रहते हैं। शहद। सर्दी, खांसी और फ्लू से निपटने के लिए शहद का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। शहद को कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, जैसे ये पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करता है, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है, त्वचा के लिए अच्छा है आदि। शहद आपको सर्दियों के महीने के दौरान गर्म भी रखता है और आपको बहुत आवश्यक गर्मी भी प्रदान करता है। ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स सर्दियों के महीने में खाए जाने वाले सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में से एक माने जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स जैसे खुबानी, सूखे अंजीर, खजूर, बादाम, काजू आपको गर्माहट देंगे और बीमारियों और गर्मी से लड़ने के लिए आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएंगे। वे स्वाभाविक रूप से पोषक तत्व, आहार फाइबर, विटामिन आदि से भरपूर होते हैं। गुड़। इसमें आयरन होता है, जिसे आमतौर पर उत्तरी भारत में गुड़ के रूप में जाना जाता है। यह आपके पाचन में सुधार करने में मदद करता है और ठंड के मौसम में आपको गर्म भी रखता है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे यह कब्ज को ठीक करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसे खाना खाने के बाद थोड़ी मात्रा में सेवन किया जा सकता है। दालचीनी। दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में भी सहायक करती है और आपके शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और इस प्रकार कठोर सर्द मौसम में आपको गर्म रखने में मदद करता है। केसर। केसर को अपने आहार में शामिल करना आसान है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं, जैसे ये आपके मूड को अच्छा करने में फायदेमंद है, वजन कम करता है और इसमें कैंसर से लड़ने वाले गुण भी होते हैं। केसर को आप दूध में उबाल कर पी सकते हैं। तिल के बीज। सर्दियों में आपके शरीर को गर्म रखने के लिए तिल के बीज बहुत अच्छे होते हैं। इनका हलवा और चिक्की जैसे विभिन्न रूपों से सेवन किया जा सकता है। ये छोटे बीज कैल्शियम और आयरन से भरे होते हैं। तिल का सेवन आप गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर कर सकते हैं। इन लड्डुओं के सेवन से आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। तिल के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे ये त्वचा के स्वास्थ्य के सुधार करता है, बालों के विकास को बढ़ावा देता है, हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है और श्वसन संबंधी विकारों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है।
गर्म सूप। एक कटोरी गर्म सूप आपके स्वाद कलियों के लिए स्वादिष्ट होने के साथ साथ आपके शरीर के लिए सुखदायक भी होता है। आप अपनी पसंद की सब्जी लेकर जाड़े की शाम को एक स्वादिष्ट कटोरी गर्मा गर्म सूप तैयार कर सकते हैं। यह आपको ठंड के दिनों में तुरंत आराम और गर्माहट प्रदान करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।